सब लोग वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के लेसन में हम लोग ये पुराना ब्यूटीफुल सा गाना सीखेंगे जिसका नाम है अजीब दास्ता है। ये लता मंगेशकर ने गाया हुआ बहुत प्यारा गाना है। लता मंगेशकर की आशा भोसले जाने दो। तो काफ़ी प्यारा गाना है तो इसे सीखेंगे। एक्चुअल में ये एफ मेजर स्केल पे है पर हम इसे सीखेंगे ई मेजर पे। कुछ नहीं, अगर आपको एफ में ओरिजिनल स्केल बजाना होगा तो कुछ नहीं, सिंबल एक हाफ स्टेप ट्रांसपोज कर लीजिए तो वो ई मेजर हो जाएगा, एफ मेजर हो जाएगा, तो कोई इशू नहीं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके कॉर्ड्स देख लेते हैं। चार ही कॉर्ड्स है, एकदम सिंपल सिंपल। एक बार कॉर्ड है, बाकी ओपन कॉर्ड्स है। तो ई मेजर के स्केल में पहला कॉर्ड है ई मेजर, दूसरा कॉर्ड है सी शार्प माइनर फोर्थ फ्रेट पे, तीसरा कॉर्ड है ए मेजर, आप बार भी बजा सकते हो यहाँ पे, चौथा कॉर्ड है बी मेजर बार में यहाँ पे। अब अगर एफ मेजर में बजा रहे होंगे तो ई मेजर हो जाएगा एफ मेजर, सी शार्प माइनर हो जाएगा डी माइनर यहाँ पे, ठीक है। ए मेजर हो जाएगा ए शार्प मेजर फिर यहाँ पे, और बी मेजर हो जाएगा सी मेजर, ठीक है। सिंपल है एकदम। तो इसका स्ट्रमिंग पैटर्न कैसा है, एकदम बिगिनर लेवल स्टार्टिंग का है, मतलब नॉर्मल है ऐसा। मतलब कैसा, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, सिंपल सिंपल डाउन अप डाउन अप। अगर आपको इसमें थोड़ा सा और ग्रूवीनेस लाना है तो मैं उसमें ऐसे चक साउंड करता हूँ, मतलब चक मतलब आपको म्यूट करना है लेफ्ट हैंड से आपके बाकी स्ट्रिंग्स को, मतलब कैसा चक डाउन अप चक डाउन अप चक ठीक है। या फिर मैं इसे ऐसे प्रीफर करना ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, हाथों से फिंगर पिकिंग ऐसा, ये भी अच्छा लगता है। तो इसमें आप क्या कर रहे हो, आपके थंब से बेस नोट, मतलब अगर ई मेजर बजा रहे हो तो ई स्ट्रिंग सिंगल ये किया, बाकी स्ट्रिंग से नीचे का कॉर्ड और फिर चक, सिंपल है एकदम ऐसी। फिर सी शार्प माइनर में भी सेम, ए मेजर बी मेजर। अभी आपने देखा होगा कि मैंने प्ले थ्रू में ऐसे बेस वॉक किया था, तो कुछ नहीं, वो इम्प्रोवाइजेशन है। बी मेजर पे पूरा बी मेजर बजाने से अच्छा लास्ट वाले इसमें हम, मैं क्या करता हूँ, बी सी शार्प डी शार्प ई वापस ई मेजर, तो कैसा फिर से लूप चालू, सिंपल है आप सीख सकते हो। तो ये हो गया इसका कॉर्ड सेक्शन, यही चार कॉर्ड्स रिपीट होते रहते कंटिन्यूसली एंड तक। तो अब इसके टैप सेक्शन की ओर आते हैं। तो इसकी इसकी पहली लाइन कुछ ऐसी है, तो अब अपन पहली लाइन और सेकंड लाइन साथ में कर लेते हैं।
तो इसके में टैब्स अभी ऊपर आएंगे, आप देख देख के प्ले करता हूँ। मैं स्लो प्ले करता हूँ। ई स्ट्रिंग पे 9th फ्रेट, 7th, 9th, 7th, बी स्ट्रिंग पे 9th, फिर 7th बी स्ट्रिंग पे, जी स्ट्रिंग पे 9th, फिर 7th बी स्ट्रिंग पे 7th से 9th तक स्लाइड। तो क्या हुआ टोटल अपना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन सेम है पूरी, बस स्लाइड करने से की जगह सिर्फ 7th पे क्लिक करना है, 7th पे प्ले करना है, इसकी जगह सिर्फ ये। तो दोनों पार्ट्स कैसे हुए, ये पहला पार्ट, ये सेकंड पार्ट, फिर थर्ड और फोर्थ पार्ट। पहले तो कहाँ से स्टार्ट, पी स्ट्रिंग के 9th फ्रेट, सिंपल, फिर से एक बार करते हैं, फिर जी स्ट्रिंग की 9th, फिर फोर्थ पार्ट। अब ये पार्ट जो है वो बिगिनर्स के लिए थोड़ा हार्ड रहेगा। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, 7th को एक बार प्ले करके 9th पे हैमर और फिर पुल ऑफ फास्ट, मतलब ये स्लोली कैसे साउंड करेगा, और फास्ट में मतलब कैसे, चारों पार्ट एक बार प्ले करके देखते हैं। ये हो गया इसका कोरस पार्ट। अब इसका वर्स देख लेते हैं जल्दी से। तो इसका वर्स कुछ यहां से स्टार्ट होता है, तो जी स्ट्रिंग के 9th फ्रेट, फिर नेक्स्ट पार्ट, ई स्ट्रिंग 7th फ्रेट, वही फिर से हैमर ऑन पुल ऑफ। अभी हम जाएंगे ई स्ट्रिंग के 11th फ्रेट पे, और फिर जो पहले सीखे थे, एकदम सिंपल, फिर से एक बार प्ले करके देख लेते हैं। अगर आपको एफ मेजर में प्ले करना है तो सिर्फ एक एक फ्रेट आगे जाइए, मतलब यहाँ पे 9th फ्रेट बज रहा है तो 10th फ्रेट बजेंगे, बस एफ मेजर के लिए बस एक फ्रेट आगे जाना है आपको। तो ये था सिंपल सा लेसन अजीब दास्ता है का। अगर आपको ये लेसन पसंद आया होगा तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं रोज़ ही ऐसे वीडियोज़ डालते रहूँगा। तो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।